सब्सक्राइब करें कैपिटल न्यूज पलामू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। कभी कभी चर्चा आम है कि जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके हाथों में प्रबंधन की जिम्मेवारी सौंपी जाती है तो शायद सब कुछ ठीक रहे, लेकिन जब वही प्रबंधन करता उस भ्रष्टाचार का हिस्सेदार बन जाए तो फिर क्या किया जाए। ये सवाल हमारा नहीं, ये सवाल है लेस्लीगंज प्रखंड के पुराइन पत्रा पंचायत के मुखिया बालदेव साहू का, जिसके पंचायत में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रबंधन समिति के बीच मिलीभगत से छात्रों को दी जाने वाली पोशाक में गड़बड़ झाला का मामला उजागर हुआ है। मुखिया की माने तो 200 रुपए लेकर भी सरकार के पैसे को बंदरबांट करने की नीयत से 125 के दर पर पोशाक खरीदकर बदतर क्वालिटी के कपड़े मुहैया कराए गए, जिसके खिलाफ जहां ग्रामीणों में उबाल है वहीं मुखिया आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। इसलिए कि मास्टर साहब का भी कहना था कि पहले प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे तो खुना हमारा स्कूल सही सलामत चलता था, लेकिन जब से अभी नया चुनाव हुआ है उससे यहाँ के मास्टर का भी कहना है, जनता का भी कहना है, पब्लिक बच्चा लोग भी तो कह ही रहा है कि खाना में भी सफा नहीं मिलता, दाल में पानी तो ही, तो शिकायत तो बहुत है। इसके चलते बाधित हो रहा है कि यहाँ का कैसे कुछ जैसे सामान लेना है तो कुछ लेना है तो तीरा खींची अपने में है इन लोग, कोई एक एक प्रकाश अगर चले तो मान लीजिए स्कूल मास्टर भी तो इसमें इन्वॉल्व है, जैसे प्रबंध समिति के अध्यक्ष में उसमें एक मास्टर को भी लेना है। इसमें क्या लगा, यहाँ तो घोटाला बिल्कुल है, इसलिए कि पैसा जो भी है सरकार, हम लोग के पास भी सरकार का पैसा है, लेकिन उसका हम लोग नगर निकाल के पॉकेट में लेकर नहीं चल सकते हैं। वहीं नाम के रंगीला और काम के ढीला ढाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष रवि रंगीला ने ग्रामीणों को ही झूठा करार देते हुए खुद को पाक साफ बताया। वहीं प्रधानाध्यापक जितेंद्र प्रसाद ने विकास की राशि अध्यक्ष के हाथों थमा खुद को सत्यवादी हरिश्चंद्र करार दिया। जो कपड़ा खरीदने की बात जो हुई, मनीष प्रसाद जो बताए, तो हमसे भी बात ये हो रहा था कि नहीं पैसा जो है कि मतलब कम में जो है कि कपड़ा खरीदेंगे, हम बोले डायरेक्ट कि नहीं 200 रुपये सरकार के यहाँ से कपड़ा का पैसा मिल रहा है, 200 से कम का कपड़ा नहीं खरीदाएगा। विकास फंड का जो पैसा आता है उसका उसका खर्च किया जाता है, वो भी पैसा आप अपना जेब में लेकर घूम रहे हैं? नहीं जेब में नहीं सर, जो है कि से मतलब बोले कि पैसा जो है कि निकाल करके आप अध्यक्ष हैं आप इसको खर्च कीजिए समय के अनुसार, और जो जो जरूरत है वो जरूरत के अनुसार आप खर्च कीजिए। 19,500 का 6,500 का बिल दिखा रहे हैं, बाकी पैसा जो है कि मतलब 100 रुपया 50 रुपया का जो सामान जो खरीदा रहा है उसका तो जो है कि सामान लीजिए सर कि पुर्जा भाउचर तो देगा नहीं कोई। 19,500 रुपया जो भी निकला है तो उसमें खर्च किए जा चुके हैं और इसमें कोई गोलमाल गबन नहीं हुआ, इसलिए निकाला गया था कि छोटा छोटा काम करवाना था इसलिए नगद निकाला गया था। कितना छोटे छोटे काम होते हैं इसका? जैसे शौचालय सफाई हुआ, डस्टबिन लेना था, ताला लेना था और ये रैंप बनवाना था और बहुत तरह के छोटे कार्य थे। दरअसल ये खेल ज़्यादातर विद्यालयों में चल रहा है, लेकिन जगजाहिर वहीं हो पाता है जहां पर प्रतिनिधि या ग्रामीण मुखर होते हैं। बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन या शिक्षा विभाग कान में तेल डाले सोई नहीं रहती, तो ये आरोप सरेआम नहीं होता। अब बात तो कर्तव्य की है और कर्तव्यों से विमुख होने पर लज्जा की।